हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम राजकुमारी प्रियंवदा और तितली राजकुमारी के बीच संवाद अध्ययन करेंगे। राजकुमारी प्रियंवदा परियों को देखना चाहती थी, उनसे बातें करना चाहती थी, पर अभी तक उसे कोई भी परी नजर नहीं आ रही थी। राजा ने कहा कि परियों को तुम इस तरह नहीं देख सकती हो, परियां अपनी मर्जी से ही दिखाई देते हैं। यह सुनकर राजकुमारी प्रियंवदा उदास हो गई और घूमने के लिए गुलाब की बाग की ओर चली गई। वहां पर उसे तितली राजकुमारी दिखाई दी और दोनों के बीच बातचीत होने लगी। प्रणाम राजकुमारी प्रियंवदा, कैसी हो आप? ठीक हूँ तितली राजकुमारी, पर आप तो दुखी लग रही हो, बताइए उदासी की क्या वजह है? तितली राजकुमारी, मैं परियों को देखना चाहती हूँ, मैं उनसे बातें करना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता परियां कहाँ रहती हैं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ राजकुमारी प्रियंवदा। कैसे सहायता कर सकती हो तितली राजकुमारी? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि परियां कहाँ रहती हैं? हाँ राजकुमारी, मैं जानती हूँ परियां कहाँ रहती हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कल मैं एक परी को अपने साथ लेकर आऊंगी और आप उनसे बातें करेगी। ठीक है तितली राजकुमारी, तो फिर कल मिलते हैं राजकुमारी प्रियंवदा। अभी आप मुस्कुराइए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।